बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर। वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट गैसीय स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को हम डिस्कस कर रहे थे कल। हमने उसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आज हम मज़ीद उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट हमारा टॉपिक था जी, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर वो वाली स्टेट थी जिसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है, और इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक ऑर्डर में पाए जाते हैं, और उनके दरमियान स्पेसेस बहुत कम होती हैं, और वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। एग्जांपल्स में हमने देखा था एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, इसकी एग्जांपल्स थी कॉमन। आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट में टाइप्स क्या होती हैं सॉलिड्स की, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की दो अकसाम होती हैं। दोनों अकसाम जो हैं वो इनमें मौजूद पार्टिकल्स के ऑर्डर पे डिपेंड करती हैं कि क्या ऑर्डर में पाए जाते हैं या ऑर्डर में नहीं पाए जाते। इसकी बिना पर इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहले नंबर में हमारे पास होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होते हैं पार्टिकल्स जिनमें अरेंज नहीं होते ख़ास ऑर्डर में, पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब अमॉर्फस सॉलिड्स हमारे पास ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके अंदर ज़र्रात जो हैं किसी ख़ास तरतीब में नहीं पाए जाते, बेढंगे अंदाज में वहाँ पे पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास जो है प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बाद रबर है, और तीसरे नंबर पर ग्लास। ग्लास भी अमॉर्फस सॉलिड्स में आता है। इसमें क्या होगा जी, पार्टिकल्स ख़ास तरतीब में नहीं होंगे, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं पाए जाएंगे, उनकी कोई ख़ास शेप नहीं होगी, इसलिए इनको कहते हैं अमॉर्फस। अमॉर्फस जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है विदाउट एन ऑर्डर, ठीक है, कोई ख़ास इनमें ऑर्डर नहीं पाया जाता। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एक ख़ास ऑर्डर में पाए जाते हैं, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो इनके अंदर पार्टिकल्स एक ख़ास ऑर्डर में, एक ख़ास तरतीब में पाए जाते हैं, ये वाले हमारे पास होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास होती है जी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड डायमंड। तो ये इसकी दो कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। सॉलिड्स की जो टाइप्स हैं वो उनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स के ऑर्डर पे डिपेंड करती है। अगर तो वो पार्टिकल्स किसी ख़ास ऑर्डर में नहीं पाए जाते, आड़े टेढ़े पाए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। जैसे हमारे पास ग्लास है, रबर है या प्लास्टिक है, वो सारे अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, और उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। हो सकता है वो जल्दी मेल्ट हो जाएँ, हो सकता है वो लेट थोड़े मेल्ट हों, तो मतलब कोई स्पेसिफिक उनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं हमारे पास जिनके अंदर पार्टिकल्स एक ख़ास अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। हर पार्टिकल के गिर्द ख़ास नंबर ऑफ पार्टिकल जो पाए जाते हैं, मतलब एक सोडियम के गिर्द 6 क्लोरीन पाए जाते थे ये हमने देखा था, या एक क्लोरीन के गिर्द 6 सोडियम पाए जाते थे, एक ख़ास ऑर्डर होता है, और डायमंड में भी कार्बन का एक ख़ास स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें ख़ास स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टलाइन है, और जिनमें नहीं होगा वो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अगली बात हमारी है यहाँ पे आज, वो है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉपी है, और एलोट्रॉप्स हैं यहाँ पे जो हमने देखते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से उनको ज़ाहिर किया जाता है जी।
सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी हमारे पास एक ऐसी जो है करैक्टरिस्टिक है सॉलिड की, जिनमें जो सॉलिड्स या गैसेस या लिक्विड्स एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक ही एलिमेंट होता है, वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी जी इस तरह कुछ, द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की मौजूदगी इन टू और मोर फॉर्म्स, एक एलिमेंट जो है दो या दो से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए, इस अमल को एलोट्रॉपी कहते हैं। एलोट्रॉपी मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ़ एटम्स उनमें डिफरेंट होंगे, मतलब किसी में दो एटम हैं, किसी में तीन एटम हैं, या फिर उन एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, मतलब कि छः एटम हैं या आठ एटम हैं, वो आपस में मुख्तलिफ़ शक्लों में जुड़े भी हो सकते हैं। दोनों की वजह से एलोट्रॉपी हो सकती है। तो यहाँ पे हम एलोट्रॉप ऑक्सीजन के पहले देखते हैं जी कि ऑक्सीजन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन एक O2 होता है, ऑक्सीजन गैस जो है, और दूसरा हमारे पास O3 होता है जिसे हम ओजोन कहते हैं। ये दोनों ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन ही है। इसमें दो ऑक्सीजन एटम है, इसमें तीन ऑक्सीजन एटम है, इस तरह वो दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। उसके बाद अगली बात आती है हमारे पास यहाँ पे सल्फ़र की। सल्फ़र के जो एलोट्रॉप्स हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है, लेकिन उनकी शेप डिफरेंट होती है, ज्योमेट्रिकली वो जो एक उनकी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। इसकी वजह से इनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। अगर एसिड पहले देखा जाए तो वो होता है रोम्बिक, ये रोम्बिक फॉर्म होती है उसकी, और अगर उसे ख़ास टेम्परेचर दिया जाए, यहाँ पे तकरीबन 90 डिग्री लिखा है, ये दिया जाए तो हमारे पास वो एसिड मोनोक्लिनिक बन जाता है। ठीक है जी, तो सल्फ़र पहले रोम्बिक होता है, जैसे ही आप उसे हीट देते हैं वो आपके पास मोनोक्लिनिक बन जाता है। रोम्बिक फॉर्म में वो डिफरेंट अरेंजमेंट में मौजूद होता है, और मोनोक्लिनिक में डिफरेंट अरेंजमेंट में। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि एलोट्रॉपी या एलोट्रॉप्स का होना, उसकी दो वजूहात हो सकती हैं, या तो उनके अंदर एटम्स वो डिफरेंट होंगे, इसमें दो एटम्स हैं इसमें तीन एटम्स हैं, या फिर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, यहाँ पे रोम्बिक है यहाँ पे मोनोक्लिनिक है, इस तरह अरेंजमेंट भी वहाँ पे डिफरेंट हो सकती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इसका भी ऐसे ही है, P4 होता है जी, उसको अगर हीट किया जाए 250 डिग्री सेल्सियस तक P4 ही रहता है। यहाँ पे वो वाइट होता है जी, और यहाँ पे वो रेड बन जाता है। अब देखें यहाँ पे सिर्फ कलर में चेंज आ रहा है, कलर में चेंज भी उन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से ही आता होता है। अरेंजमेंट कुछ चेंज होगी तो कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह फास्फोरस का जो वाइट एक हमारे पास एलोट्रॉप था, अगर 250 तक उसे गर्म किया जाए तो वो हमारे पास एक रेड एलोट्रॉप बन जाता है। अब वाइट एलोट्रॉप जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, रेड एलोट्रॉप की करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं। वाइट जो है हमारे पास ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, और रेड हमारे पास नॉन पॉइजनस होता है, जहरीला नहीं होता। तो इस तरह 250 डिग्री सेल्सियस पे जाके उसकी अरेंजमेंट चेंज होती है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, इवन के उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो देखें ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप O2 और O3, सल्फर के एसिड रोम्बिक और एसिड मोनोक्लिनिक, और P4 वाइट एंड P4 रेड, ये वाले हमारे पास फॉस्फोरस के। अब ये वाला टेम्परेचर जिस पे जाके कोई एक जो है एलोट्रॉप वो दूसरे एलोट्रॉप में चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। ये कौन सा टेम्परेचर है हमारे पास, जी ट्रांजिशन टेम्परेचर,
तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच जिस पर वन एलोट्रॉप, एक एलोट्रॉप जो है इज चेंज्ड इनटू अदर। हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में तब्दील हो जाता है। जैसे हमने सल्फर का देखा तो रोम्बिक वो जो है 90 डिग्री सेल्सियस पे जाके मोनोक्लिनिक बन जाता है, तो उसका 90 उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। फिर हमने फास्फोरस देखा, P4 वाइट था, 250 तक गर्म किया तो वो रेड हो गया, तो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास 250 होता है। तो यहाँ से आज जो हमने सीखा है, सबसे पहले वो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, ये मॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मॉर्फस सॉलिड्स वो वाले होते हैं हमारे पास जिनमें कोई ख़ास तरतीब नहीं पाई जाती, और अगर तरतीब ख़ास पाई जाए तो वो वाले हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बन जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एलोट्रॉपी देखी है कि किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाना ये एलोट्रॉपी कहलाता है। ऑक्सीजन O2 भी होता है, O3 भी होता है, सल्फर रोम्बिक होती है, मोनोक्लिनिक होती है, फास्फोरस वाइट होती है या रेड होती है, और जिस टेम्परेचर पर ये वाले जो हैं एलोट्रॉप्स एक एलोट्रॉप से दूसरे में चेंज हो जाते हैं उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।